संपत्ति कर अधिनियम या अन्य कर विधियों के अधीन स्थावर संपत्ति के संबंध में मूल्यांकन के सिद्धांत उन सिद्धांतों से भिन्न हैं जो भूमि अर्जन कार्यवाहियों पर लागू होते हैं। विराम। अध्याय 20 ग के अधीन की कार्यवाहियां भूमि अर्जन की सहजातियां हैं न कि उन मूल्यांकन सिद्धांतों की जो संपत्ति के मूल्यांकन के आधार पर कर निर्धारण पर लागू होती हैं। विराम पैरा। इसमें कोई संदेह नहीं कि मूल्यांकन वस्तु परक रूप से किया जाना चाहिए न कि समुचित प्राधिकरण के व्यक्ति परक समाधान पद रूप से। विराम। रकम जो निकाली गई है वह अभिलेख पर की सामग्री पर आधारित होनी चाहिए। विराम। बाजार मूल्य का प्राकलन करते समय कतिपय मनमानी के तत्व हो सकते हैं और मात्र उसी कारण से कि अधिनियम में कोई आदेशात्मक नहीं है प्रत्यार्थी गण ने एक परिपत्र जारी कर दिया है कि अध्याय 20 ग के अधीन संपत्ति का अर्जन कर लिया जाएगा। विराम। यदि बाजार मूल्य और लिखित में दर्शाए गए करार मूल्य में अंतर 15% से अधिक हो। विराम। इस प्रकार 15% का मार्जिन मूल्य के प्राकलन भाग को पूरा कर देता है ताकि संपत्ति का अर्जन करते समय कोई अन्याय नहीं हो। विराम। केंद्र सरकार द्वारा स्थावर संपत्ति के अग्रक्रय का अधिकार प्रत्यक्ष प्रतिफल की रकम के तुल्य किसी रकम पर आधारित होता है ताकि अंतकरणकर्ता को किसी भी प्रकार की शिकायत न रहे। विराम। धारा 269 UD के अधीन आदेश समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार ही पारित किया जाना चाहिए। विराम। न तो समुचित प्राधिकरण तीन व्यक्तियों से मिलकर बनता है जिनमें से दो भारतीय आयकर सेवा के समूह के सदस्य जो आयकर आयुक्त या किसी समतुल्य या उचित पद को धारण करते हों होने चाहिए। विराम। एक केंद्रीय अभियंता सेवाएं समूह के का सदस्य जो मुख्यतः अभियंता या कोई समतुल्य या उच्च पद एंड उच्चतर पद धारण करता हो होना चाहिए। विराम। अंतकरणकर्ता और अंतरिति को अवसर दिया जाना चाहिए और एक युक्त आदेश पारित करना होता है। विराम। प्रत्यार्थियों को संपत्ति का मूल्यांकन सभी सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए करना होता है और उसके पश्चात समुचित प्राधिकरण को कोई विनिश्चय करना होता है। विराम। न्यायाधिपति विस्काउंट साइमन ने गोल्ड कोस्ट सिलेक्शन लिमिटेड बनाम हपरी (1949-17) (ITR-17) में संप्रेक्षण किया था कि मूल्यांकन एक कला है, एक यथार्थ विज्ञान नहीं है। विराम। गणितीय सुनिश्चितता की अपेक्षा नहीं होती है न ही यह संभव है। विराम। उसमें कितने ही अनुमान के तत्व होते हैं।
जो वस्तुपरक तथ्यों पर आधारित हों और जिनका अभिलेख पर के साक्ष्य से युक्तियुक्त संबंध होता है। विराम, ऐसे विभिन्न तथ्य होते हैं जिनके आधार पर अनेक तरीकों में से जिनके द्वारा की स्थावर संपत्ति का मूल्यांकन किया जा सकता है समुचित तरीका अपनाना होता है। विराम, यह संपत्ति की अव्यवस्थिति यह प्रयोजन जिसके लिए संपत्ति उपयोग में लाई जा रही है, संपत्ति के स्वरूप वह समय जब करार किया गया और ऐसे ही अन्य वस्तु परक तथ्यों पर निर्भर होता है। विराम, अतः मूल्यांकन किसी ऐसे तरीके से करना होता है जो वस्तु परक है और एक न्यायोचित निष्कर्ष निकालने में विश्वसनीय डेटा प्रस्तुत कर सके। विराम, पैरा, भूमि के संबंध में समतुल्य मामले अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। विराम, समतुल्य मामले वे हो सकते हैं जो भूमि के संबंध में वैसी ही विशेषताएं रखते हो और करार के अधीन की भूमि के समीप हो जिसमें वैसे ही फायदे और सुख सुविधाएं हो। विराम, ऐसे मामले में समय सामीप्य भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। विराम, भूखंड के आकार के अलावा स्थिति अग्रभाग परिवहन सुविधा और अन्य सुख सुविधाएं सुसंगत विचारणीय बातें हैं। विराम, बड़े अक्षेत्रफल वाली भूमि के संबंध में वेल्टिंग का तरीका भी लागू किया जाता है क्योंकि मुख्य स्थल के सामने की ओर वाली भूमि का मूल्य उस भूमि के समीप अधिक मिलता है जो उससे पिछले बेल्ट में हो और इसी प्रकार अन्य बात है। विराम, इस तरीके में मुख्य सड़क से दूरी के आधार पर भूखंड को बेल्टों में विभाजित किया जाता है और ऐसे बेल्टों का मूल्य पृथक पृथक अवधारित करना होगा। विराम, पैरा, रघुवंश नारायण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ब्रैकेट स्टार्ट AIR 1967 SC 465 ब्रैकेट क्लोज में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह संप्रेक्षण किया गया कि अभिनिश्चित किया जाने वाला मूल्य भूमि के लिए इसकी समस्त संभावनाओं सहित और उन सब उपयोगों सहित जो इसके विक्रेता द्वारा किए जा सकते हैं दिया जाने वाला मूल्य है। विराम, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश बनाम MS गुप्ता ब्रैकेट स्टार्ट AIR 1957 SCC 202 ब्रैकेट क्लोज में बाजार मूल्य उस अधिकतम मूल्य को माना गया जो उस संपत्ति से उसे अधिकतम फायदेप्रद रीति में मिल सकता हो। विराम, अतः उपयोग की संभावनाएं या अक्षमता भी एक अन्य सुसंगत तथ्य है। विराम, तुलनात्मक मामले के उदाहरण जिन पर विचार किया जाता हो वास्तविक मामले होने चाहिए। विराम।